दोस्तों, किसी भी देश के लिए बांध यानी कि डैम बेहद ज़रूरी होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये घरेलू उद्योग और सिंचाई वगैरह के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, और इन डैम से अक्सर बिजली बनाई जाती है और साथ ही ये नदी को नेविगेशन भी प्रदान करते हैं। ये डैम और उनके जलाशय मछली पकड़ने और नौका विहार करने के लिए मनोरंजन क्षेत्र प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ बाढ़ जैसी स्थिति में उसे कम करने या रोकने में भी मदद करते हैं। इन डैमों से जुड़े आपने इतने सारे फायदे तो जान लिए हैं, लेकिन क्या आप जानते कि भारत के 5 सबसे ऊंचे और बड़े बांध कौन से हैं? अगर नहीं तो बस इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, नागार्जुन सागर डैम। दोस्तों, नागार्जुन सागर डैम दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये डैम 490 फीट ऊंचा और 1.6 किलोमीटर लंबा है, साथ इसमें 26 फाटक हैं, और इसकी क्षमता 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इस डैम में 8 इकाई के साथ 815.6 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। आपको बता दें कि इस डैम का नाम बौद्ध भिक्षु आचार्य नागार्जुन के नाम पर रखा गया है, और ये नागार्जुन सागर नलगोंडा गुंटूर खम्मम और प्रकाशम जिलों की सिंचाई करता है, और जो 10 लाख एकड़ से ज्यादा का भी क्षेत्र है। और इस डैम का निर्माण 1972 में लगभग 45,000 से 70,000 श्रमिकों ने किया था। नंबर 4, हीराकुंड डैम। दोस्तों, दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है, और ये बांध दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है, और 13 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया था। ये मिट्टी के कंक्रीट और पत्थर की एक समग्र संरचना है। बता दें कि ये हीराकुंड जलाशय 55 किलोमीटर लंबा है, और भारत की आजादी के बाद ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस बांध की ऊंचाई 200 फीट है, और जिसमें 26 किलोमीटर की लंबाई है, और इसकी 347.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। इस बांध की झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है, और जहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, और सर्दी के मौसम में यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई थी, और जहाँ पर आप मई और जून में नाव के द्वारा जा सकते हैं। नंबर 3, सरदार सरोवर डैम। दोस्तों, सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और गुजरात में नर्मदा नदी पर बना यह बांध 138 मीटर ऊंचा और नींव सहित 163 मीटर ऊंचा है। बता दें कि इसका निर्माण 1979 में शुरू किया गया था, और इस बांध का मुख्य उद्देश्य गुजरात राज्य के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी और बिजली प्रदान करना है। अपनी सहज सुंदरता और टूरिस्टों की सुविधाओं को देखते हुए ये बांध एक फेमस टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित हो गया है। दोस्तों, गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नर्मदा नहर में सोलर पैनल स्थापित करने की योजना बनाई थी, और जिससे गुजरात के ग्रामीण को मदद मिलेगी। ये बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 4 प्रमुख राज्यों के लिए काफी फायदेमंद है, और इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 1,450 मेगावाट है। नंबर 2, भाखड़ा नागल डैम। दोस्तों, बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल डैम भारत का सबसे बड़ा बांध है, जबकि ऊंचाई के मामले में ये दूसरे नंबर पर है। साथ ही 225 मीटर की ऊंचाई वाला ये ग्रेविटी डैम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। भाखड़ा नागल का जलाशय, जिसे गोविंद सागर भी कहा जाता है, इसमें 9.34 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हो सकता है, और इससे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय बन जाता है। इस बांध के दोनों ओर 10 बिजली जनरेटर हैं, और जो मानसून के दौरान बाढ़ को काबू करते हैं, और ये भाखड़ा नागल डैम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सरकार का साझा प्रोजेक्ट है। एंड नंबर 1, टिहरी डैम। दोस्तों, 260 मीटर की ऊंचाई के साथ टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा और इस दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा डैम है। 575 मीटर की लंबाई, 20 मीटर की चोटी की चौड़ाई और इसके आधार की चौड़ाई 1,128 मीटर के साथ टिहरी 52 वर्ग किलोमीटर की सतह क्षेत्र पर फैला है, और इसमें 2.6 क्यूबिक किलोमीटर का एक जलाशय है। दोस्तों, ये टिहरी डैम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोलैक्टिक वाटर प्रोजेक्ट है, और ये भागीरथी और भिलंगना नदियों से पानी खींचता है और जो हिमालय से बहती है। सिंचाई और दैनिक खपत के लिए पानी की आपूर्ति के अलावा बांध 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करता है। बता दें कि टिहरी डैम बनाने का प्लान साल 1961 में किया गया था, और 1978 में इसे बनाने का काम शुरू किया गया, और साल 2006 में जाकर यह पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे बड़े डैम। दोस्तों, आप सभी के लिए एक आसान सा सवाल है, आपको बताना कि हमें डैम से क्या क्या फायदे होते हैं।
तो आशा करते हैं आप सभी को भारत के सबसे बड़े डैम से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।